पेपर नॉर्मल था, कोई बहुत टफ लेवल नहीं था, मैथ इजी थे, पेडागॉजी भी सब अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड थी, जिसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है उसके पेपर अच्छा गए होंगे, आई थिंक कट ऑफ आई जाएगी। अच्छा, कौन सा सेक्शन ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है? टाइम कंज्यूमिंग वो आपके ऊपर है किस सेक्शन पे आप देना चाह रहे हैं, क्योंकि पेडागॉजी में तो कोई भी ऐसा नहीं था कि आप उसमें आई थिंक 40-50 मिनट में तो आप 60 क्वेश्चन कर सकते हैं बहुत ईजिली, और जहाँ तक टाइम देने की बात है तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे टाइम देना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होगा जो मैथ और EVS पे दिए होंगे टाइम, कुछ इंग्लिश पे टाइम दिए होंगे, जिसका इंग्लिश स्ट्रांग होगा वो मैथ पे टाइम दिया होगा, तो ऐसा था। बाकी पेपर पर ओवरऑल नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। EVS NCERT से आ रही है? NCERT से ही थी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1-to-1 या लाइन टू लाइन EVS NCERT से ही हो, ऐसा भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो किसी भी सेक्शन से? क्वेश्चन जैसे NEP का था तो उसमें 5+3+3+4 वाला था, RTI के कुछ सेक्शंस आए थे जी, और इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नरेशन, मैथ में एकदम नॉर्मल न्यूमेरिकल थे। कि मैथ के टॉपिक्स बता दीजिए। टॉपिक्स वही है, मेंसुरेशन से एक सवाल थे जी, और जैसे ग्राम को KG में कन्वर्ट टाइप का था, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देना था, ऐसे ही ऐसे था, और एंगल और ट्रेंगल कितने हैं ये निकालने का था। रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा रहे? रीजनिंग हमारे में तो कैलेंडर से कोई कुछ भी नहीं आया था, जैसा कल सब ने कह रहे थे कि कल कैलेंडर से आया था, ऐसा कुछ नहीं था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं थे, हाँ सिटिंग अरेंजमेंट से था रीजनिंग में, और एक था वो वेन डायग्राम से रिलेटेड बस। और करंट अफेयर और GS से कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आपको याद हो तो? करंट का देखिए 5 क्वेश्चन है, करंट में था ये कि जैसे जो अभी गोवा में हुआ है फिल्म वाला फेस्टिवल, उसमें किसको दिया गया अवार्ड, बाकी करंट अवार्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, अवार्ड से क्वेश्चन था। ओके, ओवरऑल आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा हुआ पेपर, सर बहुत अच्छा हुआ, आई थिंक इंटरव्यू तो होना ही चाहिए कॉलिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी सर। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। पेपर सर आपका कैसा रहा, इजी मॉडरेट या डिफिकल्ट? पेपर मॉडरेट था, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, कट ऑफ लगभग 140 जानी चाहिए। EVS से कोई क्वेश्चन आपको याद है? EVS से क्वेश्चन एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, बेसिकली पूरा NCERT से ही था जी, जी। पूरा 3-5 NCERT से। और पेडागॉजी से कोई क्वेश्चन? पेडागॉजी नॉर्मल क्वेश्चन था, बाकी हिंदी NCERT से आ रहा है, लगभग 9 क्वेश्चन आया, 9 क्वेश्चन आया था, मैं काउंट किया था, 9 क्वेश्चन आया हुआ है। पार्टी में हिंदी और इंग्लिश, मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, हिंदी NCERT मैंने नोटिस नोट डाउन किया है जी, जी। आया था रेलगाड़ी के बारे में आया था, फिर वो भालू ने किया डांस, भालू ने पेड़ पर क्या देखा, और बस के नीचे बाघ ने क्या, बस के नीचे बाघ क्या था, बाघ ने बस के ऊपर क्या